जिला सोलन में ड्राइविंग टेस्ट देने वाले को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। ये आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन ये आदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से इन आदेशों को तुगलकी फरमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मनमानी की जा रही है और प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के बजाय तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों से कोरोना पर नियंत्रण होने वाला नहीं है। अगर प्रदेश सरकार को जनता की चिंता है तो वे कुछ प्रभावी कदम उठाए ताकि प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, या जो नियम आम जनता के लिए बनाए जा रहे हैं वे अधिकारियों पर भी लागू होने चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए प्रदेश सरकार ने कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने को कहा है। इस फैसले का वे स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अधिकारी और कर्मचारी टेस्ट लेने आ रहे हैं वे भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए, ताकि आम जनता को भी संक्रमण का डर ना रहे। उन्होंने कहा कि ये आदेश प्रत्येक कार्यालय में लागू होने चाहिए, जहां जनता अधिक संख्या में आती है, और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां मौजूद अधिकारी के पास भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। मेरे तो समझ से बाहर आए जो ये आदेश जारी हुआ। पिछले 10 दिनों मैंने भी मीडिया में पढ़ा, अखबारों में पढ़ा, सोशल मीडिया में देखा कि स्थानीय प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है कि भाई जो ड्राइविंग टेस्ट देना जाएगा वो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट जानेगा। अब ये कल को ये भी कह देंगे कि भाई जो डीसी ऑफिस जाएगा वो भी नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाए, कोई बैंक में जाएगा वो भी नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाए, कोई हॉस्पिटल जाएगा वो भी नेगेटिव रिपोर्ट जाए, कोई बाजार में घूमने जाएगा वो भी नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाए। मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ से सोच के आते हैं और कहाँ से ये इम्प्लीमेंट करते हैं इन कानूनों को। अरे भाई, अगर कस्टमर जो ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहा है वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाएगा तो क्या आपका कर्मचारी भी नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाएगा? कर्मचारी पॉजिटिव होकर तो क्या करेंगे उसका? फिर तो मैं समझता हूँ हर एक ऑफिसर को दफ्तर में जाने से पहले अपना कोविड टेस्ट करा के जाना चाहिए। अगर उसकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी तभी वो दफ्तर में एंटर करेगा, अदरवाइज दफ्तर में एंटर ना करे। इस सरकार का तो भगवान ही मालिक है, कहाँ से ये सलाह करते हैं और कौन इनके सलाहकार है, मेरे तो समझ से बाहर है कहानी। अब इसको कुछ जस्टिफिकेशन बताओ ना कि जो ड्राइविंग टेस्ट लेने आ रहा है वो नेगेटिव रिपोर्ट देके जाएगा। ये अफसर जो है वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी इससे और ध्यान नहीं दे रहे। ये जनता से के साथ बेइंसाफी है, उनके साथ कदम कदम पर हर रोज़ नए से नया कोई ना कोई प्रताड़ित करने वाला आदेश सरकार और प्रशासन द्वारा पारित किया जाता है। उसका एक जीता जाता उदाहरण आपके सामने है कि जो ये यहाँ के प्रशासन ने एक नोटिस इशू किया कि जो भी ड्राइविंग टेस्ट देने जाएगा वो अपनी नेगेटिव लेके साथ में जाएगा। समस्या ये होगी ना कि वो बेचारा एक तो वैसे इंसान परेशान है, अब उसने कोई ड्राइविंग टेस्ट देने जाना कि उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, उसके लिए पहले वो नेगेटिव अपना टेस्ट कराए उसके बाद वो लेके जाए। तो जब ये वहाँ पर इंप्लीमेंट होता है तो बाकी दफ्तरों में भी तो इंप्लीमेंट होना चाहिए ना। ये बैंकों में इतनी भीड़ है, इंश्योरेंस ऑफिस में इतनी भीड़ है, डीसी ऑफिस में, पीओडी ऑफिस में, हर एक जितने भी सरकारी दफ्तरों में, फिर वो आदेश सबके लिए लागू होना चाहिए। क्यों ड्राइविंग टेस्ट के ऊपर ये लागू हो रहा है? अरे जरूरत नहीं है इस निर्णय की, मेरे को बताओ क्या जस्टिफिकेशन है इस निर्णय को लेने के लिए? ये दफ्तर में बैठ के निर्णय कर लेते हैं। फिर मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से कि हर एक कर्मचारी, हर एक ऑफिसर अपना रोज नेगेटिव टेस्ट लेके ही दफ्तर में जाए।